व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू गेम खेलो। हाई फाइव दे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टॉप फाइव लिस्ट फॉर द पोटैटो पीसेस, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हाई फाइव। तो दोस्तों, जो पहला गेम है ऑन द लिस्ट वो है एज ऑफ एम्पायर्स 2 एंड एज ऑफ एम्पायर्स 3। ये गेम बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड मतलब बहुत हार्ड। तो ये एक RTS गेम है, यानी कि रियल टाइम स्ट्रेटर्जी गेम। इसमें आपको खुद की एम्पायर बिल्ड करनी पड़ती है, खुद की सोल्जर आर्मी बिल्ड करनी पड़ती है और अपने एनिमीज पे कॉन्कर करना पड़ता है वाया योर सोल्जर्स। तो दोस्तों, इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो ये क्लैश ऑफ क्लैन समझ लो, बट इन रियल टाइम और एकदम ही गॉड लेवल पर। एज ऑफ एम्पायर 2 एंड AoE 3 में मुझे AoE 3 बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसमें थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और थोड़ा एडवांस सिविलाइजेशन है इसका। AoE 3 में आप लिटरली अकबर बादशाह की डायनेस्टी खेल सकते हो एंड यू कैन बिल्ड एन आगरा फोर्ट एंड उनकी पूरी आर्मी, और उस आर्मी के साथ अपने एनिमीज को कैप्चर करने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आपने ये गेम नहीं खेली है तो डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट प्ले गेम ऑन आर पोटैटो मशीन। स्टिल इन 2020 आई प्ले एज ऑफ एम्पायर 3 और मैं एज ऑफ एम्पायर 4 का बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की ओर, वो है बैटमैन आर्कम सिटी। बैटमैन तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो है, बैटमैन तो सबको ही पसंद है, मैं इस चौदूमल की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको तो पता ही है कि बैटमैन डार्क नाइट मूवी सीरीज कितनी ज़्यादा फाड़ू है, तो अगर वही सेम एक्सपीरियंस अगर आपको एक गेम में मिल रहा है जहाँ पे आप खुद बैटमैन जैसे खेल रहे हो, तो भाई वो लेवल ऑफ ऑसमनेस आप बस इमेजिन करके देखो। इनफैक्ट WB गेम्स को इसकी ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ी थी, ये गेम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे बिका है। इसलिए भाई मैं इस गेम की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वरना आप बोलोगे कि मैं इसे ओवर हाइप कर रहा हूँ। इसलिए आप बस वो गेम प्ले देखो और एक बार इस गेम को खेल के देखो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला गेम है कपहेड। दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, एंड एग्जैक्टली इट इज़ फॉर दिस गेम। ये सिर्फ दिखने में बचकाना लगता है बट ये है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड गेम है एंड बहुत ही ज़्यादा फन टू प्ले गेम है। आप हंस हंस के गेम में पागल हो जाओगे। एक्चुअल में ये गेम आपको 90s के डिज्नी चैनल की याद दिलाएगा और इसे खेलते खेलते आप अपने बचपन में खो जाओगे। तो दोस्तों, दिस इज़ अ रन एंड गन गेम, मतलब आपको सिर्फ भागते जाना है और अपने एनिमीज को शूट डाउन करना है। तो दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम लिटरली बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि आपको GTA 5 में बकचोदी करने का भी मन नहीं करता। Seriously, what the fuck are you doing? तभी हमें ये गेम खेलना चाहिए, क्योंकि ये गेम हमें बहुत ज़्यादा हंसाएगा और हमारा इजीली टाइम पास भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम की ओर, वो है फ्रीडम फाइटर्स। ये एक 2003 में आई हुई थर्ड पर्सन शूटर गेम है, बट लिटरली आज भी ये सारे थर्ड पर्सन शूटर्स गेम का बाप है। दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स विच हैज बेस्ट गेम प्ले एंड बेस्ट स्टोरी लाइन। इस गेम में न्यूयॉर्क सिटी पर सोवियत रशिया अटैक करके कब्जा कर लेता है एंड आप एज अ फ्रीडम फाइटर अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाते हो। अगर ये गेम आपने नहीं खेली है तो प्लीज़ 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 आई बेग यू दोस्तों, ये गेम को ज़रूर खेलना, क्योंकि ये वाली गेम का एक्सपीरियंस हमें होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, द फाइनल गेम ऑन द लिस्ट इज़ FIFA 2011। ये गेम एक्चुअली एक रोशनी की किरण, एक रे ऑफ होप है फॉर ऑल द फुटबॉल लवर्स जिनके पास है एक लो एंड मशीन। आप FIFA 12 या फिर FIFA 14 भी खेल सकते हो सेटिंग्स को ट्विक करके, बट मैं FIFA 11 सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये गेम लैन गेम प्ले सपोर्ट करता है और मैं आज भी हमाची पर अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये लिस्ट पसंद आई। एज यूजुअल, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर एंड मेरे और वीडियोज देखने के लिए यहाँ पर। तब तक के लिए बाय।